कहा जाता है कि प्रॉब्लम्स का आना तो पार्ट ऑफ लाइफ है। काम चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, आपके मन का हो या न हो, जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ चलता ही रहेगा। ऐसी बातों को ध्यान में रखते हुए ये भी कहा गया है कि अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान भी है। मनुष्यों की जिंदगी में आने वाली मुसीबतों के लिए ज्योतिष और वास्तुशास्त्र में कई जबरदस्त उपाय बताए गए हैं, जिन्हें अपनाकर संबंधित व्यक्ति अपनी परेशानी को खत्म या काफी हद तक कम कर सकता है। ऐसे में अब आपको कुछ चमत्कारी मूर्तियों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपने घर में रखकर आप निगेटिव एनर्जी भगाने के साथ धन दौलत आने का रास्ता खोल सकेंगे। वास्तुशास्त्र के एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आपके आवास में कैसा भी वास्तु दोष है तो उसे दूर करने के लिए घर के मुख्य दरवाजे पर आपको भगवान गणेश की मूर्ति लगाना चाहिए। हाथी को गणेश भगवान का प्रतीक माना जाता है। गणेश जी का नाम लेने से सभी विघ्न कट जाते हैं। ऐसे में वास्तुशास्त्र के उपाय भी इससे अलग नहीं है। वास्तु के मुताबिक घर में हाथी की मूर्ति रखना शुभ माना जाता है। हाथी की मूर्ति रखने से घर में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर आपके घर में तमाम उपायों के बावजूद लगातार क्लेश बना हुआ है या घर का तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा हो तो वास्तु का ये उपाय आपकी मुश्किल हल कर सकता है। इस स्थिति से निपटने के लिए आपको घर में बछड़े को दूध पिलाती एक गाय की मूर्ति रखनी चाहिए। ऐसा करने से घर में रहने वाले लोगों के बीच स्नेह बढ़ता है और आपसी तनाव और क्लेश भी कम होता है। फेंग शुई के मुताबिक घर में मछली की आकृति यानी उसकी मूर्ति रखने का बड़ा जबरदस्त फायदा मिलता है। मछली की एक मूर्ति आपके निवास में सुख, शांति, खुशहाली और समृद्धि लाने के लिए एक कारगर उपाय साबित हो सकती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अगर आप अपने घर में भागते हुए घोड़े की मूर्ति रखते हैं तो ये उस छत के नीचे रहने वाले सभी लोगों के लिए बड़ा ही शुभ माना जाता है। इसे पूरी आस्था और विश्वास से रखने वाले शख्स को जीवन के किसी भी क्षेत्र में हार का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं कामयाबी भी ऐसा करने वालों के कदम चूमती है। अगर आपके बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है तो वास्तु के जानकारों के बताए उपाय के मुताबिक बच्चे के कमरे में तोते की मूर्ति लगाने से उसका पढ़ाई के प्रति रुझान बढ़ता है, यानी आपके बच्चे के पढ़ाकू होने के चांस बढ़ जाते हैं।